ऑटोकैड सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ऑटोकैड में एट्रीब्यूट पी एडिट कमांड का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों देखिए उसका शॉर्ट की है ATI। आप ATI इंटर करके इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कमांड का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने एक शीट है, उसमें ये एट्रीब्यूट ब्लॉक्स के टेक्स है। तो उसको एडिट करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली एट्रीब्यूट टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि ये टेक्स्ट है तो उसको आपको इस तरह से डबल क्लिक करके एक चार्ट ओपन होगा, तो उसमें आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। देखिए इसके ऊपर आपको ऐसा कर्सर रख के फिर उस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हैं। और उसके लिए दूसरा ऑप्शन है ATE कमांड को इंटर करना है और फिर इस तरह से उसका दूसरा चार्ट ओपन होगा। ये उसका दूसरा तरीका है। तो इस तरह से आपको एडिट कर सकते हैं। लेकिन इस कमांड में क्या होता है, इस कमांड में क्या है, कोई टेबल वगैरह ओपन नहीं होता है। जैसे कि आपको खाली एक नंबर ही एडिट करना है तो पूरा टेबल ओपन करने की ज़रूरत नहीं। तो उसके लिए उस केस में ATI कमांड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ATI इंटर, उसके बाद इस नंबर को ये देखिए सिलेक्ट करेंगे। तो इस नंबर को सिलेक्ट करने के बाद जिस तरह से आपका सिंगल टेक्स्ट एडिट होता है उसी तरह से आपका एट्रीब्यूट टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे कि मुझे नंबर चेंज करना है 50, तो मैं 50 करूँगा। उसी तरह फिर से मैं कमांड लूँगा ATI इंटर और इस नंबर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए जैसे कि आपका सिंगल टेक्स्ट एडिट होता है उस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। मतलब पूरा टेबल आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से कमांड लेना है ATI, ये देखिए। तो इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे तो इस कमांड का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसी तरह आप हमारे आगे के वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।